जैसे आपको पता है कि مولانا रूमी पे लोग आजकल पीएचडी करते हैं यू नो शम्स द पे लोग कर रहे हैं दीज आर द वाइट पीपल्स डूइंग इट तो मौलाली तो यू नो द फादर ऑफ ऑल लोग राइट सो मालिक अश्तर है कौन पहले तो थो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं लेट्स फिगर आउट द इट इज फाउंड इन नाजुल बलागा अ कलेक्शन ऑफ Sermon letters sayings attribute लेट्स फाइंड आउट हु इज मालिक अस्तर ठीक है ताकि सबकी हिस्ट्री रिवाइज हो जाए और फिर कंटेक्स पढ़ने में मजा आएगा तो मालिक अस्तर उस प्रमिनेंट कंपेनियन ऑफ इमाम अली एंड वन ऑफ इज मोस्ट ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर्स एंड एडवाइजर ठीक है नेम वाज इब्ने अल टाइटल अस्तर मीन दन आई लाइट जिसकी आई लाइट टॉर्न हो चुकी हो आफ्टर बैटल तो बैटल में उनकी एक आंख इंजर्ड हो गई थी जिस वजह से उनका नाम अश्तर पड़ा मालिक अश्तर जिसने अपनी खो खोदी मगर फिर भी साथ में है लड़ने के लिए तैयार है तो इस इस वजह से मालिक अशतर टाइटल पड़ा देखो बहुत सारी चीज़ जैसे मैं सोच रहा नरगिस की भी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती राइट दिस इज वेयर चैट जीपीटी कैन हेल्प अस और

उन्होंने कहा कि तुम्हें दो सूल याद रखने हैं आपको दिख रहा है राइट व्हाइट बोर्ड एक ये कि आपकी जो एक्शन होने चाहिए हमेशा राइटियस होने चाहिए ये ना हो कि अपने वालों के साथ सही एक्शन हो मगर दुश्मन हो उसके साथ गलत करो तो चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो एक्शन सबके साथ ऑनेस्ट एंड राइटियस बेसिस पे होने चाहिए ठीक है ये क्लियर होगी डिमार्केशन ठीक है तो अब हम उसका लाइफ में एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि ज़िंदगी में शायद हमें अगर वो लेटर पढ़ के कुछ सीखने मिले तो आज 2024 में हमें उसका कंटेम्पलेशन यानी उसका ट्रांसलेशन ये मिलेगा कंटेम्पलेशन कहते हैं कि आज के ज़माने में उसको कैसे लागू किया जाए आई यू ऑल ओक गुड विद मी सीखे सबको कनेक्शन मिल रहा है सो so, आज के ज़माने में अगर हमारे हिसाब का कोई आदमी है तो उसके साथ भी खुश रहो और जो अपने हिसाब का नहीं है मे बी ही और शी से समथिंग बहुत सारे लोग हमको पसंद नहीं आते राइट बिकॉज दे आर इन हैबिट ऑफ टोर्निंग अस अस डाउन यू नो पीछे से वार करेंगे हमारे सामने अच्छा बोलेंगे पीछे पता है ये बुराई करेगा जाके राइट right? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनका हमें पता होता है हाउ मेनी इफ यू हैव सच पीपल इन योर लाइफ रेज योर हैंड आई थिंक सब दोनों हाथ उठाने वाले एक भी नहीं उठा रहे राइट right? तो ऐसे भी लोग हैं और हो सकता है वो भी हमारे लिए ऐसे हाथ उठाते हो शायद हम में भी वो चीज़ें मौजूद हो यस और नो राइट तो जिस तरह हम दूसरों को बुरा और अपने आप को अच्छा समझते हैं वैसे दूसरे भी हमें बुरा और अपने आप को अच्छा समझते हैं यस और नो राइट तो एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि अपने आप को वो समझना जो हम हैं तभी जाके चेंज आएगा तो मकसद यह आया कि वो लोग जो पसंद नहीं भी है ना उसके साथ भी सही रहो और इसके बारे में बहुत सारी कहावत मौजूद है कि ऐसा काम कर जाओ ताकि जब जाओ तो दुश्मन भी रोए और दोस्त भी रोए राइट विच इज़ एन एग्जाम्पलरी लाइफ के uh, माफ कर दिया करो लोगों को फो गिव एंड फो और लाइफ uh, में जीतने का सबसे आसान रूल है राइट right? हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है फॉरगिव तो कर देते हैं मगर फॉरगेट नहीं कर सकते राइट right? हमने अब 200 प्लस बुक्स के बाद ये देख लिया कि डिप्रेशन का रीज़न ही ये है कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं रेज योर हैंड्स तो इमाम अली ने एक्चुअली उसको बताया अपने कमांडर को कि तू सिर्फ अच्छा करके अपने लिए उसके लिए अच्छा नहीं कर रहा अपने लिए भी अच्छा कर रहा है अपनी साइकोलॉजी के लिए भी अच्छा कर रहा है और आज के माहौल में अगर जाओ तो अपने ईक्यू को अच्छा कर रहा है यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को तू अच्छा कर रहा है क्योंकि तुझे आगे भी जंग लड़नी है अगर तू पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाएगा तो तू नए मसलों को कैसे हैंडल करेगा अगर तुम नए बिजनेस को पुराने बिजनेस को पुराने फेलियर को भूल नहीं पाओगे तो नई चीज़ों में कैसे हाथ डालोगे ये हमारे लिए डेफिनेशन होगा येस और नो डू यू ऑल अग्री विद अस बहुत सारी चीज़ें मिल रही है व्हाइट स्कॉलर्स की बुक से यस और नो राइट तो दिस वाज पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन में हमें चार चीज़ें सीखने मिल गई सोचो तो अभी कितने पॉइंट्स हैं राइट Good, Nargis, no, I, I think it's an excellent topic. Acha. Topic number two: leadership with humility. Ya? Yane, leader, acha, leader, hota? let's talk about it. Hum leader jo hain, and let's not talk about only institutions. Let's talk about also people outside us. Let's talk about people in our back home countries. Let's talk about people in this country where we live. Let's talk about generically leaders, right? They are. हो जाते हैं और सामने वाले को भी तैयार करते हैं कि तुम हमारी बात मानो तुम हमारे अंडर रहो तुम हमारी चीज को समझो जब तक समझोगे वी आर हैप्पी विद यू द मिनट आपने रिवोल्ट किया यू आर आउट ऑफ द गेम येस और नो राइट सो बहुत सारे लीडर्स डिक्टेटर्स होते हैं जिसकी जमाने में जिसको आज के कहा जाता है कि लीडिंग विद डिक्टेटरशिप और लीडिंग के स्टाइल्स में अगर हम आ जाए ना तो दो तरह की लीडिंग होती है ठीक है जिसकी कॉपरेट अमेरिका डेफिनेशन देता है एक होती है डेमोक्रेसी और एक होती है डिकटेटरशिप राइट डिक्टेटरशिप का मतलब ले लो तो एक आदमी बोलेगा और सब उसकी बात मानेंगे जबकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर एक का अपना अपना राइट है ठीक है एक तरह की जो नॉन डेमोक्रेटिक पार्टीज होती है वो इस तरह की डिक्टेटरशिप की बात है ठीक है सिबली तुम को ये कहते हैं मालिक उश्तर को तुम कभी भी ये मत बोलना कि मैं रूलर हूँ मैं रूलर हूँ मैं रूलर हूँ मैं, मैं लीडर हूँ मुझे मानना जरूरी ही है सच ए थॉट विल योर हार्ट क्योंकि अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारा हार्ट करप्ट हो जाएगा और तुम्हारा रिलीजन वीक हो जाएगा और ये चीज़ों को चेंज करेगा तुम्हारी फेवर में लाने के लिए तो बिल्कुल ही गलत बात बोल दी आज तक लीडर्स को सिखाया जाता है कि जो तुम्हारी बात माने वो अच्छा जो बात नहीं माने वो गेम ओवर गेट बैक टू द न्यू पर्सन येस और नो चाहे वो बाहर हो चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो इदारे में हो चाहे वो सोशल सर्विस में हो और हमें ये देखने मिलते हैं मैनी ऑफ यू आर लाफिंग राइट तो मैं समझ रहा हूँ राइट right? आप लोग के दिमाग में और यही हमने देखा है लीडर का मतलब होता है द पर्सन हु हैज गॉट द चेयर उसको चेयर नहीं छोड़नी है बहुत ही कम लीडर्स ऐसे होते हैं जो के अपनी सीट को हटा के मकसद पे फोकस करते हैं जितने भी आप बड़े लीडर्स लाओ ना चाहे अब्राहम लंकन चाहे कायदे आजम चाहे महात्मा गांधी ये वो लीडर्स थे जो सीट के लिए आए ही नहीं थे ये लोग चेंज के लिए आए थे लेकिन ऊपर वाले ने उनको इतनी लंबी सीट दिलाई कि उसका सवाल ही पैदा नहीं होता हजार प्रेसिडेंट्स आ गए उसके बाद बट आज भी लोग उनको याद करते हैं उन पर बुक्स लेते हैं उनकी बायोग्राफीज करते डू यू ऑल विद मी येस और नो ये हमारे सामने की लाइव एग्जाम्पल है हजार दो हजार साल पुरानी तो उसका मतलब ये हुआ वोट इमाम अली सिंह ये दुनिया में भी नज़र आ रहा है कि कभी भी तुम रूलर बन जाओ ना तो जताना मत शुरू कर देना कि मैं रूलर हूँ मेरी बात मानो किस तरह तुमने डिसोबे किया क्यों आप सब खड़े नहीं हुए जब मैं आया क्यों मुझे जो है वो स्पेशल कार नहीं दी गई क्यों मेरे आगे पीछे दस दस सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे क्यों मैं जब आया तो सब उठ गए क्यों मैं जब आया तो कोई नहीं उठा सब बैठे रहे राइट छोटी छोटी चीज़ों को लीडर की फेवर में बोलना लीडर की अगेंस्ट नहीं बोलना उसने बोला नहीं तुमने अगर ये किया तो उसका मतलब तुम खुद भी करप्ट हो गए अपने दिल के अंदर तुमने रिलीजन को भी करप्ट कर दिया और चीज़ें तुमने अपनी फेवर में लाना शुरू की तो लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है तो हम सबको ये समझाया गया नाउ थिंक अबाउट वेयर ऑल ऑफ यू आर लीडर्स आर यू लीडर इन योर हाउसेस क्या आप लोगों की पांच लोगों की फैमिली और यू आर द हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड इसका मतलब ऊपर वाला ने आपको लीडर बनाया राइट right? क्या आप एक स्ट्रॉन्ग वोकल पर्सन हो जो कि दस लोगों के चार लोगों के दोस्तों के बीच में लीडरशिप कंसिडर होता है लीडर का मतलब जरूरी नहीं पांच सौ लोगों का लीडर लीडर का मतलब हो सकता है चार लोगों के बीच का लीडर हो सकता है हेड ऑफ द फैमिली राइट हो सकता है हस्बैंड वाइफ एंड किड है हो सकता है वाइफ इज द लीडर हो सकता है हस्बैंड इज द लीडर राइट हो सकता है फादर इज द लीडर इफ यू आर अ टीचर देन यू आर अ लीडर आप थर्टी बच्चों को गाइड करते हो सो यू कैन बी लीडर In many small capacities, do you all agree with me? Raise your hands. Yes or no? Right? तो so लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई मुल्क का प्रेसिडेंट होना जरूरी है उन्होंने मुल्क के प्रेसिडेंट को यह बात कही थी माम अली ने मालिक अश्टर को जो कि कौन था अगेन रिवाइज करते हैं फॉर दो वॉज द हेड कमांडर ऑफ of माम अली ठीक है और हमने बात की उनका नाम अशतर क्यों पढ़ा था बिकॉज ही लॉस्ट इज आय जिस वजह से अश्तर उनका नाम दिया कि तुम आग के कुरबान होने के बाद भी मेरे साथ खड़े हो राइट यू आर वन ऑफ द लव्ड वंस ओके तो ये सेकेंड रूल था फर्स्ट रूल था कि हमेशा सत का साथ देना है इन लोगों को जस्टिस के साथ ट्रीट करना है चाहे वो इस्लाम के हो कि नहीं हो गरीब हो कि अमीर हो इक्वेलिटी रखनी है तो हमको ये बात समझ आती है कि अपनी फैमिलीज़ में कि जो फैमिली से लोग बाहर से आएँ जो फैमिली के अंदर के लोग हैं उन सबको बराबर करना है यानी कि जो फैमिली के बाहर से इन लॉज वाले आए हैं उसको एक अलग ट्रीटमेंट दिया और अपने बच्चों को अलग ट्रीटमेंट दिया बच्चा भी गलत है ही शुड बी ट्रीटेड फेयरली यू नो जो लोग फैमिली का हिस्सा बाहर से आके बने दे शुड बी ऑल्सो हेड एंड ऑनेस्ट ट्रीटमेंट येस और नो कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं गिफ्ट ठीक है जब इतना बड़ा मुल्क इन मुल्कों से चल सकता है तो दस लोगों की फैमिली नहीं चल सकती खुशी से क्या राइट सो वी आर लर्निंग एंड वी आर ट्रांसलेटिंग ऑन आर ओन अच्छा वेलफेयर ऑफ द पीपल तीसरी बात उन्होंने कही कि रिमेंबर इन क्रिएशन ठीक है ये नहीं बोल नहीं 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 बोल सकते हम तो पीछे रह के Everybody wants to be the leader. तभी तो आ रहे हो नींद खराब करके यस yes और नो no. राइट right? चाहते हो पॉपुलैरिटी चाहिए फेम चाहिए चाहे घर के अंदर हो दोस्तों के अंदर हो बिजनेस के अंदर हो यू वॉन्ट टू बी द पावर मैन और पावर वुमेन यस और नो शनास रेज योर हैंड ऑनेस्टली अच्छा हमको लगता था पावरफुल बना जाता है दूसरों के ऊपर पैर रख के चढ़ा जाता है बी वेरी ऑनेस्ट ये और नो यहाँ उसूल ही दूसरा बताया यहाँ बताए किसी को गलत के साथ भी सही करो जो गांधी जी की मूवी में भी हमको सुनने में लग रहा था राइट यस और नो तो आप एक बात देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना उनकी फिलॉसफी यही है कोई और तरीका नहीं है शायद हमने अपनी छोटी सोच में ये सोच लिया कि हमने कुछ गलत लीडर्स को फॉलो कर लिया जो बहुत हिपोक्रेसी की बात करते हैं कि बोलो कुछ करो कुछ यू you नो know, दिखाओ कुछ बताओ कुछ लोगों के साथ लेवल्स में करो हर एक के साथ इतना मत मिलो वन आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी येस और नो ये भी प्रिंसिपल कुछ बुक्स सिखाती हैं यू विद मी यस और नो मगर ये जो लोग गुजरे हैं ना या जो इमाम अली वाली फॉलोअरशिप है वो ये नहीं सिखाती राइट right? सो so आपको सोचना है कि आप किस तरफ हो एंड देन यू मेक योर ओन डिसीजन ऊपर वाले ने आपको चीज़ें सिखा दी है बट एट द एंड इंसान को खुद मुख्तार बनाया है यानी इंडिपेंडेंट बनाया है और है नाउ इट्स योर कॉल आप किसको फॉलो करो हमने आपको बना के बता के छोड़ दिया ओके लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट चौथा पॉइंट है करप्शन ऑफ द इलीट लीडर्स आर द रूइन्स ऑफ द मैसेस आज आप देख लो इंडिया को ले लो पाकिस्तान को ले लो अफ्रीका को ले लो रशिया को ले लो उन्होंने कहा जब टॉप लोग जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं मालिक वाले को बताया तेरे कंट्री के अंदर जो सबसे अमीर लोग हैं ना अगर वो करप्ट है तो पूरा माशरा करप्ट हो जाएगा तो तुझे मेक श्योर sure करना है कि ऊपर वालों में करप्शन ना हो और हो तो तू सबसे पहले जाके उनको सज़ा दे ये नहीं कि पावरफुल को माफी मिल गई आप यूएसए को ले लो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट वी नो बिग बॉयज आर आउट ऑफ द रूल्स यस और नो राइट इस जगह पे भी ये मसला है मगर कम मसला यू डोंट सी लाइक इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका जहां तो अंधेर नगरी चल रही है यस और नो आर यू ऑल विद मी इसी वजह से वो माशरे ऐसे कि आपने अपने अपने कंट्री छोड़ दी और आज आप किसी और कंट्री में रह रहे हो और आज वो आपका कंट्री बन चुका है यस और नो राइट क्यों क्योंकि खुदा कुरान के अंदर कहता है कि मैं लोगों पे वैसे ही लीडर ला के बिठा देता हूँ जैसे वो होते हैं तो इमाम अली कह रहे हैं उस तरफ से कि अगर लीडर का टॉप लाइन करप्ट आ गया ना तो नीचे बैठा हुआ घर के अंदर तक का आदमी करप्ट हो जाएगा वो अच्छा भी होगा ना सच्चा भी होगा ना आज आप देखो सबसे ज़्यादा क्राइम्स मुस्लिम कंट्रीज़ में मिलते हैं मुस्लिम का नाम क्यों बदनाम हो गया क्योंकि आपको हर चीज़ मिलेगी वो छोटे छोटे सौ रुपए के लिए सौ डॉलर के लिए एथिक्स बेच देंगे आपको चीट कर लेंगे आपको बिट्रे कर लेंगे और शायद आपको मुस्लिम से बाहर वालों में ये मसला ना मिले यस और नो वो शायद फिर भी एथिकल मिल जाए क्यों क्योंकि जो टॉप लीडरशिप थी ना इन सारे मुल्कों में जहाँ से हम लोग आए कल वो लीडरशिप करप्ट थी जिस वजह से बाकी लोग आहिस्ता 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 करप्ट होते गए और अभी हम जो कहते हैं ना एक आदमी आके सब बदल देगा वो नहीं बदल सकता क्योंकि सब लोग ही करप्ट हो गए वो एक आदमी अगर अच्छा आ भी गया तो उसके नीचे 200 मिलियन करप्ट लोग मौजूद है वो चेंज नहीं होंगे जब तक सब चेंज नहीं होते कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं तो आप इस बात को देखो ये रूल ही चेंज कर दिया ठीक है यानी बोला था कि ज्यादा चीनी पियोगे तो चाय मीठी होगी इसने बोला ज्यादा मीठी चाय पियोगे तो शुगर हो जाएगा उल्टा करके बोला right? राइट उन्होंने बोला था अभी तक नीचे वाले अच्छे होंगे ना तो लीडर अच्छा आएगा उन्होंने बोला नहीं लीडर खराब आएगा ना तो नीचे वाले भी खराब हो जाएंगे ठीक है ओके लेट्स गो टू पॉइंट नंबर फाइव अच्छा इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन देगा हम लोग लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हु आर क्लोजेस्ट टू यू यानी बहू बेटे बच्चे माँ बाप ज़्यादा क्लोज क्या होंगे आर ऑनेस्ट एंड स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट्स बिटर टू यू भले आपको कड़वा लगे लेकिन वो सच बोले तो आपने बोला यार मेरी बहू मेरे को बोल दिया कुछ पहले का जमाना और था आज का और था इमाम अली ने चौदह सौ साल पहले बोल दिया दोस्त या अपने लीडर्स या अपने साथी ऐसे रखना जो कड़वे हों जो सच्चाई बोले जब आप गलत करो तो ये नहीं बोले नहीं नहीं सासुमा यू आर ऑलवेज राइट पीछे से जाके बोले बोले तुम्हारे सामने आके बोले आसूमा गलत किया कहते बेटर दोस्त स्वीट एनिमी से बेहतर है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं तो आपका और आपकी बहू का बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है लेट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू लेकिन इसको ऐसे मत सोचो कि आप लेट गो कर रहे हो इसको ऐसे सोचो कि ये परफेक्ट कम्पेनियनशिप है ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बिकॉज एक आदमी दूसरे को बोल दे गलत है और दूसरा लड़ाई झगड़ा ना करे सुकून से सुने बोले हाँ यार वाकई सही कह रही है या बोलो नहीं मैं गलत नहीं हूं तो प्रूफ कर दो इधर कन्विंस और गेट कन्विंस्ड दुनिया में दो ही है ना या तो मान जाओ गलत हो तो फिर लड़ाई नहीं करो फिर अपनी एनर्जी खराब नहीं करो सही साबित करने के लिए दस और झूठ नहीं बोलो लेकिन अगर गलत नहीं हो तो सामने वाले को कन्विंस कर लो नहीं भाई सवाल ही नहीं है पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी फिर फिर तो सच बोल रहे हो ना झूठ नहीं बोले फिर सामने वाले को मना के छोड़ो फिर एनर्जी पूरी लगा दो राइट लेकिन नॉर्मली आप अगर सही हो ना तो एक दो दलील के बाद पीपल गेट कन्विंस सो आइदर कन्विंस और गेट कन्विस्ड समझ आ गया आपने बोला ना पहले का जमाना और था चौदह सौ साल पहले का तो जमाना उससे तो पुराने नहीं हो ना आप राइट फोर्टीन हंड्रेड ईयर्स की तो एज नहीं है राइट गुड देखो बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता थी ना इसलिए तो कंटिन्यू एजुकेशन हमें सुधारता है राइट हम सब सुधर रहे हैं ये बोलना आसान है लेकिन असली चैलेंज तब है जब हम इसको अप्लाई कर दें ठीक है जी कोई कुछ बोल रहा था जी परवीन जल्दी जल्दी अप करना है बोलो हाँ एक्चुअली है ना तो फिर मैं ना कन्विंस हम दो एक दूसरे को कर लेते हैं फिर आपस में मिलजुल के जैसे पता ही नहीं है कोई बात इस तरह से रहते हैं तो मैं सबको मशवरा भी यही देती हूँ अभी कि मतलब अगर इंसान है अपनी गलती हो जाती तो अपन को भी मान लेने का और सामने वाले को भी मान लेने का गुड सामने वाले को मान लेने का और अपने को भी मान लेने का और हमने एक दफा लास्ट बुक में पढ़ा था कि जस्ट टू विन द डिबेट डोंट डूज द रिलेशनशिप कभी कभार आप सही भी हो सामने वाला गलत है लेकिन उसी बहस करने की आदत है अभी क्या करोगे जितना बहस करोगे उतना से। तो कभी आपने बोला ठीक है यार तुम नादानो मैं इंटेलिजेंट हूँ लेकिन मैंने बोला तुम इंटेलिजेंट हो मैं नादान एक शेर जो था वो बादशाह था सबसे बड़ा था भारी बरकम था जंगल को हरा देता था दूसरा जो शेर था एक मिनट दूसरा जो शेर था वो कमज़ोर सा था शिकार करने गया तो गधा टकरा गया रास्ते में डोंकी टकरा गया तो तो डोंकी को बोलता है कि कुछ ना कुछ बात हो गई ना ऐसे ही तो डोंकी कुछ बोलता है, बोलता है वो कुछ बोलता है वो कुछ बोलता है वो कुछ बोलता है फिर डोंकी उसको इतना कुछ बोलता है तो शेर नाराज हो जाता है उसको मारता है डोंकी और बोलता है शेर और मारता है लड़ाई झगड़ा जंगल जमा हो जाता है तो बड़े शेर की अदालत में फैसला आता है बोलता है कि ले आओ दोनों गधों को बोलता है नहीं गधा नहीं है दूसरा तो शेर है बोलता है अरे बाप रे शेर गधे से बहस कर रहा था बोलता है ले आओ तो गधा बोलना शुरू करता है बोलता है मुझे पता है तुम सही हो शेर को सजा मिलेगी बोलता है अरे शेर हो के शेर को सजा दोगे वो धाड़ता है तो चुप हो जाता है बोलता है नहीं नहीं तुम सरदार हो बोलो मुझे क्या सजा है उसको कोड़े लगाता है ना सौ कोड़े तो शेर को सौ कोड़े लगते है वो और चिल्लाता है चीखता है गधा खुश होता है बोलता है देख मैं तो तेरे को बोल रहा था तू गधा है तो चला गया वो शेर पे बहुत मार खाने के बाद दूसरे बड़े शेर को बोलता है तुम तो शेर थे तुम्हें तो पता है मैं सच बोल रहा था वो गलत था उसने बोला मुझे पता है तू सच बोल रहा था बट तू कौन है शेर है तूने दो घंटे किसके साथ वेस्ट किए अपने आप को सही साबित करने में गधे के साथ इसलिए सौ कोड़े मारे सही या गलत की वजह से नहीं मारे तो कभी कभार आपको ये सोचना पड़ता है कि मुझे पता है मैं सही हूं और वो गलत है पर आज वो डोंकी वाली बात कर रहा है तो तुमको सौ कोड़े खाने बड़े शेर से नहीं ना तो उसको बोलो भाई तू सही है तू यू यू नो नो एंड मूव फॉरवर्ड मैं शेर मुझे और बहुत सारे काम है जिंदगी में मजा आया तो आप लोग कौन हो सौ कोड़े वाले शेर हो या डोंकी हो राइट तो कभी कभार हम इतनी बहस करते हैं क्योंकि सामने वाले को बहस का शौक है होता है ऐसे लोग मिलते हैं अच्छा सब ऐसे ना सबको कोई ना कोई याद आ गया और हमारी आधी जिंदगी इसमें खत्म हो जाती है अरे भाई जीत भी गए ना तो सौ नहीं दो सौ कौड़े पड़ जाएंगे यू you नो know? so, इमाम अली का ही वाक्य है कि इमाम अली नादान को देख के गली घुमा दिया करते थे वहां से चलना छोड़ देते थे मूव करके दूसरे रास्ते से चले जाते थे बोले अरे रे नादान टकरा जाएगा नादान से बहस करने को मना किया गया है क्योंकि वो आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देगा राइट सो आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट और हम कोशिश ये करते हैं लेट्स क्लैफ फॉर नर्गिस मुझे भी ये स्टार्ट करने से पहले नहीं पता था बट एक्चुअली वी स्टार्टेड नाजुल बलागा टुडे सो so अभी हम अगले दस सेशन नाजुल बलागा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इन शह एंड सोचो आज एक लेटर में कितना सीखा है तो एंड दिस विल बी अ वेरी गुड लर्निंग मैं खुद बहुत टाइम से पढ़ना चाह रहा हूँ मैंने ऑन एंड ऑफ किया है बट दिस इज दिस बुक बुक मेरे घर पर भी पढ़ी हुई है तो इनशाला विल कंटिन्यू दैट सो जिसने लोगों को इनवाइट करना है करो एंड दिस विल बी एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग से मुझे लगता है हमें जो अब जो सीखने मिलेगा ना वो दो सौ में भी हमने कभी नहीं सीखा होगा हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने मिलेगी सो स्टेट यून थैंक यू वेरी मच